बिस्मिल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई वेदर द मसल्स ऑफ दीज ऑर्गन्स पार्ट्स आर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ये आपको डायग्राम शो की गई है, यहाँ पे आपने लेबल्स करना है कि कौन सा जो पार्ट्स है वो वॉलंटरी है और कौन सा जो पार्ट्स है वो इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी मसल्स और ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि डेट कैन नॉट डेट कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, जिनकी जो मूवमेंट्स होती है आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जिनकी मूवमेंट्स यू कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, जिनकी मूवमेंट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो हम मूव करते हैं। ये डायग्राम को लेबल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फ्रंट पे आपको जो मसल्स नज़र आएगा वो है इनवॉलंटरी मसल्स, और नेक्स्ट पे जो आर्म मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। उसके अलावा जो हार्ट मसल्स होते हैं वो भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, और नेक्स्ट पे इंटेस्टाइन है। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो मसल्स मूव करते हैं इनवॉलंटरी कर रहे होते हैं, आप उनको अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकते। वॉलंटरी मसल्स जो हैं, हैंड मसल्स जो है ये भी वॉलंटरी है, हैंड को आप मूव कर सकते हो तो ये वॉलंटरी होगा, और जो आपके थाइस मसल्स हैं इन्हें भी आप अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो तो ये वॉलंटरी मसल्स होंगे। जो मसल्स आप मूव करवा सकते हैं अपनी मर्जी से उन्हें वॉलंटरी बोलते हैं, और जो मूव नहीं करवा सकते आप अपनी मर्जी से उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्शंस एज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, आल्सो गिव रीजंस। यहाँ पे आपको कुछ एक्शंस बताए गए हैं, आपने बताना है कि ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, और इनके रीजंस भी बताने हैं। और सबसे पहले जो एक्शंस हैं वो ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग जो है इनवॉलंटरी होता है, चूँकि ये सांस लेने का प्रोसेस जो होता है वो नेचुरली हो रहा होता है, तो ये जो है यू कान कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, हम इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलंटरी हो जाएंगे, एक्शन हो जाएंगे। और क्लैपिंग जो है वॉलंटरी है, जो कि हम अपनी मर्जी से क्लैपिंग करते हैं। रनिंग भी वॉलंटरी है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। डाइजेशन इनवॉलंटरी है। ब्लिंकिंग ऑफ आई वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। वॉकिंग जो है वॉलंटरी है। हार्ट ब्रीथिंग इनवॉलंटरी। स्नीजिंग इनवॉलंटरी। ब्लिंकिंग द टोज इन वॉलंटरी। राइजिंग द हैंड वॉलंटरी। ब्लड सर्कुलेशन इनवॉलंटरी। इसी तरह से आपने इनकी रीजंस लिखते जाना है कि ये वॉलंटरी क्यों है, चूँकि ये यू कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, और इनवॉलंटरी क्यों है, यू कॉन्ट कंट्रोल देयर मूवमेंट्स। आपने इसी तरह से, जैसे ही आपको एग्जांपल से एक समझाया गया है, इसी तरह से आपने बाकियों को भी इसी से जो सेंटेंसेस हैं के साथ आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल करना है। वॉलंटरी क्यों है, चूँकि यू कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, और इनवॉलंटरी क्यों है, चूँकि यू कॉन्ट कंट्रोल देयर मूवमेंट्स।